तत्तापानी के पास ट्रैफिक जैम है, लोग घंटों से फंसे हुए हैं। ढाई से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले से ये रोड के ये हालात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो करकरम हाईवे के बारे में है। आप में से बहुत से लोगों ने करकरम हाईवे, जिसको शॉर्ट में KKH भी कहा जाता है, उसके बारे में सुना होगा। हमारा जो सफ़र था वो ईद के तीसरे दिन स्टार्ट हुआ और हम बेसिकली जा रहे थे अस्तोर वाली साइड पे और गिली वाली साइड पे। तो इस सफ़र के दौरान हमें जो मुश्किलात पेश आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और जिसका जिक्र आप तमाम लोगों से किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को भी पेश आ सकती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने ईद का तीसरा दिन, जुमे का दिन था, सुबह 11 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया और एक अच्छा दिन था। हम चल पड़े, कोई बादल वगैरह बारिश वगैरह नहीं थी, हम चल पड़े और रस्ते चलते चलते हमने एफ्टाबाद बाहर से, क्योंकि मोटरवे के थ्रू जा रहे थे, फिर मानसेरा क्रॉस के उस पर हम बालाकोट तक गए। अब क्योंकि ईद का तीसरा दिन था तो हमारे माइंड में बिल्कुल था कि हमें रश मिलेगा और बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। मेरे से पहले भी एक दफ़ा नारायण खान ईद के तीसरे दिन जाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, आई थिंक 2018 के अंदर था और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था। तो हमने फिर ये डिसीजन ले लिया, हम 9-10 लोग थे, तो हमने फिर ये डिसीजन ले लिया था। हमने कहा चले थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो उसको हम कवर कर लेंगे। खैर हम चल पड़े, हम बालाकोट तक पहुँचे, बालाकोट तक कोई इशू नहीं था। बालाकोट हमने क्रॉस किया, बालाकोट क्रॉस करने के बाद आगे हम जा रहे थे तो आगे एक जगह थी केवाई, केवाई वाटरफॉल बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर लोग रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब केवाई से ही काफ़ी पहले, अराउंड 15 किलोमीटर पहले ही हमें ट्रैफिक जैम मिल गया। वो ट्रैफिक जैम बेसिकली जो होता है वो केवाई के अंदर ही होता है, केवाई में, क्योंकि वो एक वी सा बन जाता है और वहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क भी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वाटरफॉल पे जाना होता है, तो जिसकी वजह से वो जगह भी नैरो है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पुल है उसको क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पे काफ़ी रश बन जाता है। मगर वो एक नेचुरल सी बात है कि थोड़ा बहुत रश बनना ईद पे, क्योंकि आवाम भी बहुत ज़्यादा थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रश, मगर 15 किलोमीटर पहले रुक जाना और रश का होना ये एक अजीब बात थी हमारे लिए। मेन प्रॉब्लम क्या बनी हुई थी कि एक तो रश था और जिसकी वजह से वहाँ पे गाड़ियों की वाई में पार्क हो रही थी, वो सब कुछ चीज़ थी। लोगों ने क्या किया हुआ था कि दो या दो से ज़्यादा जो है वो लेन्स बनाई हुई थी। अभी एक वीडियो देखी, उस वीडियो के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि वाई से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले से ये रोड के ये हालात हो चुके हैं और वाई तो रोड चलो ब्लॉक है ही है, मगर उससे पहले जो रोड ब्लॉक हुआ उसकी रीज़न आप ये देख सकते हैं, उस तरफ का रोड भी ब्लॉक कर दिया है लोगों ने, अब यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। जिस तरह से भी आपने वीडियो के अंदर देखा कि लोगों ने दो और दो से ज़्यादा जगह तीन तीन लेन्स बना लेते हैं, जब वो दो से तीन लेन्स बन जाती हैं तो क्या होता है कि अब जो गाड़ी वहाँ से आनी है वो नहीं आ सकती क्योंकि आपने रोड ब्लॉक कर दिया। तो अब आपको जहाँ पे मे बी अब आधे घंटे में ट्रैफिक खुल जाती है, अब वो 3 से 4 घंटे 5 6 7 घंटे तक भी ट्रैफिक जैम रह सकता है। और हमारे साथ ऐसे ही हुआ, हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे लग गए इस छोटी सी जगह को क्रॉस करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। खैर हमने केवाई क्रॉस कर लिया, जब हमने केवाई क्रॉस किया तो उस टाइम मगरिब का टाइम तकरीबन हो रहा था, हम आगे चल पड़े और आगे हालात और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। हमें ट्रैफिक जैम मिल रहा था, थोड़ी सी जगह पर कहीं भी हमें कह लें कि गाड़ी चलती थी, फिर ट्रैफिक जैम, फिर ट्रैफिक जैम, और हर तरफ यही सिचुएशन थी कि दो से तीन लेन्स बनी हुई हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही, वो बस जल्दी जाने के चक्कर में, जल्दी जाने के चक्कर में। और मेन जो इसके अंदर बात थी वो ये थी कि ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस होती वो लोगों को रोकती कि आप एक लेन बनाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आवाम एक तो ज़्यादा थी जिसमें हम भी शामिल थे, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा आवाम उस रोड के ऊपर जा रही थी। और प्रॉब्लम ये भी साथ बन रहा था कि ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी, मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, जब वो नहीं थी तो बस जिसका जो दिल करता था वो ये कर रहा था। खैर हम रात को तकरीबन 10 बजे के करीब हम कागान पहुँचे और कागान पहुँचने के बाद हमने यही मशवरा किया लोगों से भी जो दुकानदार वगैरह थे, हमने कहा कि रात को आप यहीं स्टे कर लें क्योंकि नारायण तक पहुँचते पहुँचते शायद सुबह हो जाए, तो पूरी रात का फिर सफ़र, क्योंकि हम सुबह से चले हुए थे तो एक मुश्किल चीज़ थी। तो हमने खैर सोचा, हमने ये सोचा कि हम ये करते हैं कि हम रात को कागान में रुक जाते हैं। खैर हमने होटल्स देखे तो कागान के अंदर कोई एक भी होटल ऐसा नहीं था जिसमें कमरा खाली हो, फुल जैम पैक था। तो परेशानी की बात थी कि क्या करें, जब कोई हल ना निकला तो हमारे पास एक चटाई थी जो कि बहुत बड़ी थी, 10 लोगों को ईज़िली अकोमोडेट कर सकती थी। हमने कागान शहर से बिल्कुल पहले ही एक जगह देखी और वहाँ पर चटाई वगैरह बिछा दी
और बचा के हमने कहा रात को वहाँ स्टे करके। अगर वो स्टोरी अलग है, मेन हमारा जो मकसद इस वीडियो का वो रोड्स के बारे में और सिचुएशन या बाकी जो मुश्किल हमें पेश हुई उनके बारे में। अब रात को खाने का प्रॉब्लम था, आप यकीन करें कि कागान का पूरा बाज़ार मैंने घूमा अपने दोस्तों के साथ। हम पूरे कागान के हर एक तंदूर वाले के पास गए, होटल वाले के पास गए, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक सिंगल रोटी भी नहीं मिल रही थी, जिसके पास जाओ सिंपल नो थी। और एंड पे हमें पराठे एक जगह मिल रहे थे, वो भी मैं प्राइस चल नहीं बताता मगर डबल प्राइस कह लें या ट्रिपल कह लें, उस पर हमें पराठे मिल रहे थे। और वो पराठे लेके हम रात को अराउंड उस टाइम 2 बजे हम लेके वापस जहाँ पर हमारी गाड़ी थी हम वहाँ पर आए। और वहाँ पे आके हमने खाना भी नहीं बनता था, नाश्ता भी नहीं बनता था, जो भी बनता था हमने उस टाइम पर किया। वीडियो को आगे लेके जाते हैं। खैर रात हमने स्टे की, फिर हम सुबह तकरीबन 4-1 बजे वहाँ से चल पड़े और ये सिचुएशन चल रही थी, रोड बंद है करते करते करते। खैर हमने नारान क्रॉस किया। नारान क्रॉस करने के बाद जो लोग गए उनको पता है कि फिर आगे चीज़ें बेहतर हो जाती है, क्योंकि नारान से बगूसा टॉप तक रोड बहुत अच्छा है और वहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम भी नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो नारान तक आते हैं, फिर उससे कुछ फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाबूसर टॉप तक जाते हैं और बाबूसर टॉप से आगे फिर और लोग कम हो जाते हैं। खैर बाबूसर टॉप गए, वहाँ तक रोड बहुत अच्छा था, फिर वहाँ से हमने डिसेंड करना शुरू किया। वो रोड अच्छी है मगर डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे डिसेंड बहुत ज़्यादा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर वहाँ से चलते चलते नीचे चले गए हम चिलास पहुँच गए। चिलास 0 पॉइंट पहुँचे, 0 पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 8-10 किलोमीटर चिलास है और राइट साइड पे हमने जाना था। बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आप KKH को टच कर रहे होते हैं, 0 पॉइंट से कहते हैं। अब 0 पॉइंट जैसे हमने टच कर लिया, उसके बाद हम चल पड़े KKH पे। तो पहली जो जगह आती है वो उस जगह का नाम है गिनी, वो तकरीबन 0 पॉइंट से 5-6 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। अब गिनी के अंदर हमारे साथ क्या हुआ यह वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। चिलास के बाद जो पहला फ्यूल स्टेशन आता है हम उस पर खड़े हुए हैं, PSO का है। और यहाँ पे हम 2 बजे आए थे पेट्रोल के लिए और उस टाइम पेट्रोल नहीं था, और इस टाइम 4:30 हो चुके हैं और अब पेट्रोल आया है। और अब आप यहाँ पे आवाम का रश देख सकते हैं, मिसमैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी भी यहाँ पे है, अराउंड 40 टेम्परेचर है। अभी अपनी वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या सिचुएशन है। गिनी पेट्रोल पंप है पहला, और वहाँ पे पेट्रोल नहीं था। 2 बजे हम पहुँचे वहाँ पे और वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और गर्मी 40 के अराउंड टेम्परेचर होता है वहाँ पे, सख्त गर्मी। खैर हमने वेट किया 4 बजे तक, 4 बजे पता चला पेट्रोल आ गया। हमने कहा वेरी गुड, चलें पेट्रोल मिल जाएगा, मगर हमारे साथ क्या हुआ इस वीडियो में। इस टाइम शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी तक पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। एसी साहब आए थे और उन्होंने कोई फाइन वगैरह किया है मगर अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि टैंकर आया, टैंकर के अंदर पेट्रोल भी था और डीजल भी था, दो हिस्से थे टैंकर के अंदर, एक में डीजल था और एक में पेट्रोल था। टैंकर ने ये किया कि डीजल को डाल दिया पंप के जो पेट्रोल वाला सेक्शन था उसके अंदर, उससे क्या हुआ कि डीजल और पेट्रोल मिक्स हो गया और ये जो गाड़ी आपको सिटी नज़र आ रही है सिल्वर कलर की, ये पेट्रोल डलवा चुकी थी, क्योंकि उस पेट्रोल के अंदर डीज़ल और पेट्रोल मिक्स था, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई। और अब इसका तो काफ़ी लंबा काम खुल चुका है। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल भी हालात ख़राब हैं इधर, और मतलब आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं यहाँ पे, और ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इशू जो है वो रिज़ाल्व नहीं हुआ और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस गर्मी में लोग खड़े हुए हैं और उनके पास पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोल ऊपर से निकाल रहे हैं और मर्जी के लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी उन्होंने पेट्रोल निकाला है। तो अब आप बताएं कि पेट्रोल आया भी सही और हमारे साथ क्या हुआ कि पेट्रोल के टैंक में डीजल चला गया और बेचारी जिनकी गाड़ी थी सिल्वर सिटी थी उनको सारा ट्रिप वहीं पे ख़राब हो गया, क्योंकि उनकी गाड़ी के लिए प्रॉब्लम बन गया। तो यहाँ से पेट्रोल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और ये पेट्रोल का जो प्रॉब्लम है ये हमें गिलगित तक प्रॉब्लम रहा। हमें ऐसा लग रहा था कि हम शायद ट्रिप पर नहीं, हम पेट्रोल ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि हर तरफ हर गाड़ी वाला बस एक ही बात कर रहा था कि पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए। लोग दूर दूर से आए होते हैं और पेट्रोल का इशू बना हुआ था। अब खैर हमने वहाँ से हम गिलगित गए, थोड़ा सा वहाँ से हमने पेट्रोल लिया और हम आगे चल पड़े। जब हम आगे चल पड़े तो आगे
गेनी से तकरीबन हम कोई 15 से 20 किलोमीटर आगे गए होंगे, तो पहली जगह आ गई जहाँ पे हमें लैंड स्लाइडिंग मिली। इतना चलने का चांस था वो ऊपर है ना, वहाँ से बिल्कुल डाउन द स्लोप लगेगा। ये यहाँ स्लाइडिंग हुई है और हमारी गाड़ी वो आ रही है। ये यहाँ से तो ये पहली लैंड स्लाइडिंग का एरिया था, ये हमने क्रॉस किया। ये अब हम क्रॉस कर चुके और इसके बाद जब हम आगे गए तो आगे तत्ता पानी का एरिया आ गया। अब तत्ता पानी का एरिया जो लोग KKH पे सफ़र करते हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो KKH है वो बॉटल नेक है कराकरम हाईवे का। सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग यहीं पर होती है, ज़रा सी बारिश हो जाए लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और पूरा पहाड़ के दफ़ा नीचे आ जाता है, रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मैं कोई वीडियो दिखाता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तत्ता पानी के पास ट्रैफिक जैम है, लोग घंटों से फंसे हुए हैं और किसी तरह की कोई मैनेजमेंट ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो है वो घंटों से फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि रोड बहुत नैरो है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे रोड और नैरो हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हर कोई पहले जाने के चक्कर में है और रोड तंग होने की वजह से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पा रही। जब गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पा रही तो बार बार गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत रोड ओपन करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। वीडियो में सारी बात मैंने आपको बता दी है, जो मसाइल थे, रोड बिल्कुल तंग सा है, नैरो सा है और वहाँ पर गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही और मैनेजमेंट वगैरह किसी की नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को हम देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के अंदर थे और गर्मी है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी कंटिन्यूसली स्टार्ट नहीं रख सकते। आपको ही पता नहीं आपको यहाँ पर 4 घंटे लग जाए, मे बी 8 घंटे लग जाए, मे बी आपको 2 दिन लग जाए। किसी तरह की सिचुएशन का कुछ पता नहीं होता कि कितनी देर रोड ब्लॉक रहेगी और अगर इस दौरान बारिश हो जाती है तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाती हैं। तो ये जो इशू है इसका प्रॉब्लम जो चला आ रहा है वो अब से नहीं है इस रोड का, जहाँ पे जो हम बॉटल नेक की बात कर रहे हैं तत्ता पानी की, ये अभी नहीं, ये दहाइयों से चला आ रहा है। यहाँ पे लोगों को इशू है, नहीं वो क्रॉस कर पाते, ज़रा सा सावन की बारिश आई या आम बारिश आई बस रोड बंद हो जाता है। तो अभी हम सफ़र को आगे लेके चलते हैं, सजेशंस की हम बाद में करेंगे जी। तो जैसे तैसे हमने रात को 6-8 घंटे वेट करने के बाद जगह को क्रॉस किया तो आगे हम रायकोट ब्रिज वाली साइड पे चले गए, रायकोट ब्रिज तक गए। वहाँ पे वहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक थी और रायकोट ब्रिज से आगे आपको पता है कि KKH बहुत स्मूथ हो जाती है और यूजली लैंड स्लाइडिंग नहीं होती। तो रायकोट ब्रिज से जो अगर नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था वो बेसिकली जगलोट था, जहाँ पर हमने रात को स्टे भी करना था। अब जैसे ही रायकोट ब्रिज से हम चले जगलोट के लिए, वहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर चले होंगे तो एक मैसिव किस्म की लैंड स्लाइडिंग हमें मिली, जो कि आप कह रहे कि 3 से 4 किलोमीटर का जो रोड का हिस्सा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, रोड थी ही नहीं वहाँ पे। और अगेन सेम सिचुएशन, कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा वहाँ पे मौजूद नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अपने तहत लगे हुए हैं, जिनके पास 4x4 हैं वो तो ज़रा ईज़िली निकल रहे हैं, जिनके पास कार्स हैं तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। खैर वहाँ पे भी हमें 2 से 3 घंटे लग गया। प्रॉब्लम क्या था कि पेट्रोल हमने लास्ट जो हमें मिला था वो चलास से मिला था, वो बहुत कम पेट्रोल मिला था तो उसको लेके हम चल रहे थे। फिर हम तत्ता पानी वाला एरिया क्रॉस किया, करते करते तो यहाँ पे हमारा गाड़ी को रिज़र्व लग चुका था और यहाँ से जगलोट 26 से 27 किलोमीटर रहता था। रायकोट ब्रिज के बाद कराकरम हाईवे फिर ब्लॉक है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से, और अगेन यहाँ पे कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या कोई हुकूमती अहलकार मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत रोड को जो है वो ओपन करने की और गाड़ियों को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन है और आप एक ट्रिप पे निकले हुए हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। खैर हमने क्रॉस किया और रिज़र्व में गाड़ी को चलाते रहे, करते करते हम
काफ़ी रात हो चुकी थी, हम जगलोड पहुंचे और जगलोड में भी पेट्रोल नहीं था। जगलोड के अंदर काफ़ी पेट्रोल पंप्स हैं, 8-9 पेट्रोल पंप तकरीबन हैं, और हम बारी बारी सब पर गए, किसी के पास पेट्रोल नहीं था। आखिर में एक पंप था, पेट्रोल पंप था, मुझे कंपनी याद नहीं किसका था, वहाँ से हमें 2000 रुपये का पेट्रोल मिला। और लोग कह रहे थे कि गिलगित में भी पेट्रोल नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि क्या सिचुएशन बन रही थी हमारे साथ। खैर, जिस तरह मैंने इन रोड्स की बात की, इस तरह से सिकरदू रोड पे मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, सिकरदू रोड की भी सेम सिचुएशन है। सिकरदू रोड पे तो आप जैसे ही सिकरदू रोड स्टार्ट होता है, केकेएच से आप अलग होते हैं, कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं, और रोड की कंडीशन भी 80% 85% रोड बन चुका है, बाकी रोड के हालात अच्छे नहीं है। लैंड स्लाइडिंग वहाँ पर भी होती है, रोड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। और अगर हम बात करें जो अस्तौर लोग जाना चाहते हैं, आगे फिर त्योसाई जाते हैं, सिकरदू से भी जा सकते हैं, मगर आप अस्तौर से भी जा सकते हैं, तो जो लोग अस्तौर की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। वहाँ पे रॉक फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत डेंजरस एरिया है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मकसद आपको रोड की सिचुएशन के बारे में बताना और एंड पे कुछ अपनी सजेशन देना भी है कि हम क्या कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने क्या करना है कि ईद के मौके पे आप कभी भी ट्रैवल ना करें। उसका रीज़न क्या है कि जो ईद का मौका होता है उस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक के एच में, जैसे एग्जाम्पल तौर पे कह रहा हूँ, एक ख़ास एरिया में अगर 100 गाड़ी जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो ईद के मौके पे वो 500 से 700 800 तक चली जाती है, तो उस रोड के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म के बारे में बात तो बहुत कर रही है कि हम टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटी है इन एरियाज़ की, उनको फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा, रोज़गार के नए मौके उनके लिए खुल रहे हैं और लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट बन रही है, लोग जाते हैं इंजॉय करते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास फैसिलिटेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर जाके जस्ट ख्वार होने तो नहीं जा रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की मैं बात करूँ, तो जब गवर्नमेंट को पता था कि ईद के बाद लोग जाएंगे तो पेट्रोल वहाँ पे मुहैया क्यों नहीं किया गया? वहाँ पे पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए थी। लोकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैं इसके चले गिलगित की हम बात करते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि इतना पेट्रोल होना चाहिए था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ को ये पेट्रोल का प्रॉब्लम ना हो। तो पेट्रोल का प्रॉब्लम बन गया, लोग ख्वार हो रहे थे, फिर मैसेज जा रहे थे कि आप लोग ना आए, कोई ज़रूरत नहीं आने की। इससे क्या होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो नुकसान होगा उसको। ट्रैफिक पुलिस का काम बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में। मैं सिर्फ सारे का सारा कसूरवार ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं दे रहा, मेन जो सबसे ज़्यादा कसूरवार तो हम लोग हैं। हम लोग से मुराद वो तमाम लोग जो जाते हैं और वहाँ पे सिंगल लेन नहीं बनाते। जब हमें पता है कि ट्रैफिक जैम चल रहा है और प्रॉब्लम है, अभी आगे रोड ब्लॉक हुआ है, तो हम 2 से 3 लेन्स क्यों बना लेते हैं? अगर हम ये काम ना करें तो शायद हम 1 घंटे में वहाँ से निकल जाएँ, मगर हम 2 से 3 लेन बनाने की वजह से वहाँ पे 6 से 7 घंटे फंसे रहते हैं। और उसमें वो बेचारे फैमिलीज़ वाले, छोटे बच्चों वाले, वो भी फंसे होते हैं और किसी की कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इस चीज़ का किसी को ख्याल नहीं आता, बस हर कोई पहले निकलने के चक्कर में होता है। होटल्स की हम बात कर लें, होटल्स की शॉर्टेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नारायण कागान की आप बात कर लें, तो नारायण कागान में आपको होटल ही नहीं मिलता। तो भाई, अगर आपको पता है कि आप इतने होटल्स वहाँ पर नहीं हैं, तो आप बालाकोट से आगे लोगों को जान ही ना दें। आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास होटल्स नहीं है, तो आप बालाकोट से आगे लोगों को मना कर दें, आप लोगों को वापस भेजना शुरू कर दें। जिस तरह से कोरोना के अंदर बालाकोट से आगे लोगों को नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ लोकल्स को जाने दे रहे थे, तो इस तरह से वहाँ पर एक चौकी लगाएं और देख लें कि जी जब कैपेसिटी फुल हो गई है नारायण कागान की, तो आप लोगों को मना कर दें कि आप लोग आगे ना जाएं। या तो फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इतने होटल्स वहाँ पे होने चाहिए कि लोग इजीली जाएं। अब होता क्या है कि आम दिनों में आप वीकडेज में चले जाएं, तो जो होटल आपको नारायण में 5000 रुपये का मिल रहा होता है, वो इन दिनों में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का मिलता है। और आपने जस्ट थोड़ा सा टाइम, 5 से 6 घंटे स्पेंड करने होते हैं, उसके लिए आप इतना ज़्यादा पे करें, ये ज़्यादती है। तो ये वो काम है जो गवर्नमेंट के करने के हैं। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि जो टूरिज़्म है उसको फ़रोग दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो कुछ मैंने पॉइंट्स की बात की, इन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट को देखना होगा। एक पॉइंट मेरे जहन में भी आया जो मैं मिस कर रहा था, तत्ता पानी की जो हमने बात की थी, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग दाइयों से हो रही है, उसका सिंपल सा हल है कि आप जो इंडस रिवर के दूसरी साइड पर रोड को ले जाएँ, एक पुल बनाना है और रोड को उस तरफ ले जाएँ, वहाँ पर छोटी रोड मौजूद भी है, आप उसको बड़ा कर दें और सारी सारी ट्रैफिक को वहाँ पर ले जाएँ और उसको रायकोट ब्रिज के पास जाके वापस इंडस रिवर से इस तरफ लें,
इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि जी अब करने लगे हैं, अब क्यों करने लगे हैं, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्यों नहीं किया गया। और अगर आप करने लगे हैं तो अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये ऐसा हो जाए। तो खैर ये मेरी कुछ सजेशंस थी, किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा, जस्ट एक रिकमेंडेशंस हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए अपने टूरिज़्म जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग जो कि एरियाज में जाना चाहते हैं उनको उम्मीद है मेरी बातों से काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। थैंक यू।